रोहित नमस्कार। आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपाल मींस फोरहेड, माथा, और भाति मींस शाइनिंग, तेज। कपालभाति प्राणायाम करने से किसी भी व्यक्ति विशेष के चेहरे पे एक तेज, एक शाइनिंग आती है और शरीर और मन को बहुत प्रकार के लाभ मिलते हैं। जिस प्रकार बाकी प्राणायामों में हम लोग पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन में बैठ के प्राणायाम किया करते हैं, उसी प्रकार हम इसी इनमें से किसी भी आसन में बैठ के कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम करते समय हमें ध्यान मुद्रा में बैठना होता है। इस चीज का ध्यान रखें कि आपका मेरुदंड, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और पूरा ध्यान आपकी सांसों पे होगा। अगर आपका पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित होगा तो आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन नियमित रूप से प्राणायाम करते समय होगा और इसके विशेष का लाभ आपको मिलेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए पद्मासन में बैठने के बाद हम लोग ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। हमारे अध्यापक श्री सतीश जी अब आपको भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम करके बताएंगे कि कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद हम लोग श्वास को अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे और इनहेल करने के बाद हमें रेचल यानी कि एक्सेल करना है एक फोर्स के साथ। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि एक्सेल करते समय हमारा पेट अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अंदर की तरफ हमें अपने पेट को खींचना है और ये चक्र नियमित रूप से कंटिन्यूसली हमें प्रैक्टिस करना है। गति के बारे में अगर बात की जाए तो हम मध्यम गति से कपालभाति प्राणायाम करेंगे, जिसमें एक मिनट में 50 से 60 बार हम लोग कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। मतलब मध्यम से इसके रेपिटेशन होने चाहिए। ना हम इसको बहुत तेज करेंगे, ना हमें कपालभाति बहुत धीरे करना है। कुछ व्यक्ति विशेष कपालभाति प्राणायाम करते समय विशेष बातों का ध्यान रखें। अगर कोई हृदय रोगी है या फिर कोई उच्च रक्तचाप रोगी है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कोई और ऐसा गंभीर डिजीज या बीमारी है तो वो कपालभाति प्राणायाम आराम से करें, थोड़े धीरे गति में करें, बहुत तेज ना करें। इसके अलावा कोई माता या बहन अगर गर्भवती है तो वो कपालभाति प्राणायाम को बिल्कुल ना करें। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हम लोग इनहेल करेंगे तो हमारे अध्यापक, हमारे सहपाठी श्री सतीश जी आपको करके बताएंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए फोर्सफुली पेट को अंदर खींचिए। पूरा ध्यान आपका सांसों के ऊपर, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए और इस चीज का ध्यान रखिए कि हर एक्सहेल के साथ जितनी बार हम रेचर करें, जितनी बार आपका सांस बाहर आए, आपका पेट अंदर की तरफ खींचना चाहिए। कपालभाति करने के विशेष कर लाभ हमारे शरीर को होते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ती है। जिस प्रकार किसी भी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में प्राणों की गति बढ़ती है, प्राण हमारे शरीर में ज्यादा जाते हैं, अतिरिक्त मात्रा में जाते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, अच्छा होता है कपालभाति प्राणायाम करने से। उसके अलावा शरीर की जितनी भी गांठें होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के भी शरीर में कई बार गांठें बन जाती हैं, किसी का खून गाढ़ा होता है या किसी भी अन्य बीमारी की वजह से शरीर में गांठें बन जाती हैं या फैट डिपॉजिट हो जाते हैं, तो कपालभाति प्राणायाम करने से वो सब गांठें धुल जाती हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ व्यक्तियों के किडनीज की तरफ गांठें बन जाती हैं, तो वो भी विशेष रूप से कपालभाति प्राणायाम को कर सकते हैं और उनको विशेष लाभ होगा। योग में तो ये भी कहा गया है कि कपालभाति प्राणायाम एक जीवन संजीवनी बूटी की तरह है। जिस प्रकार संजीवनी बूटी किसी भी महामारी को क्योर करने में लाभप्रद थी, उसी प्रकार खाली सिर्फ एक ऐसा ही प्राणायाम है जिसको करने से हमारे शरीर के समस्त रोग दूर होते हैं। वो रोग चाहे फिर शारीरिक हो
या फिर कोई मानसिक रोग हो। जिस प्रकार हमने बात की कि कपालभाति करने से आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जहां पे भी हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है या हमारा जहां जहां भी रक्त प्रॉपरली जा नहीं रहा है वहां पे रक्त की सप्लाई शुरू हो जाती है और जो भी डेड सेल्स या जो भी ऑर्गन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है वो काम करना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कपालभाति करते समय आपके शरीर के ऊपर आपके पेट के ऊपर एक फोर्सफुली स्ट्रेस पड़ रहा है क्योंकि आपके पेट में खिंचाव पड़ रहा है, तो पेट से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं उसमें आपको काफी फायदा है, काफी लाभ होता है। पेट में जिस प्रकार आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे बात की जाए लिवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, या फिर किडनीज है, या फिर कोई और भी पेट के रोग है, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, तो उसमें विशेषकर फायदा होता है। कोई व्यक्ति विशेष अगर वजन कम करना चाहता है तो वो भी नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम कर सकता है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी बाहर की और अंदर की चर्बी बहुत जल्दी और बहुत नियमित रूप से कम होती है। हमारे शरीर में जो हमारे अंग है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते, उसके पीछे भी ये रीजन होता है कि हमारे शरीर के अंगों के ऊपर चर्बी या वसा की एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। तो कपालभाति सिर्फ आपके बाहर के शरीर की चर्बी को कम नहीं करता, शरीर के अंदर की चर्बी को भी कम करके हमारे अंगों को प्रॉपर्ली काम करने के लिए सहायता उसमें मदद करता है। उसके अलावा हमारे दिमाग से या सीएनएस सिस्टम, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, उसमें भी विशेषकर फायदा होता है कपालभाति करने से। अगर कोई व्यक्ति विशेष कोई आसन या फिर प्राणायाम नहीं करना चाहता तो केवल वो कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से करे, और हम आपको ये दावा करते हैं कि उसको हर बीमारी के लिए, हर बीमारी को क्योर करने में फायदा होगा कपालभाति प्राणायाम करने से। नमस्कार।